नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। गमर में शवों के मिलने का मामला, विभिन्न थानों की पुलिस नाव द्वारा गंगा नदी में पेट्रोलिंग कर रही है। नाव द्वारा अनाउंसमेंट करा लोगों को गंगा में शवों के जल प्रवाह न करने की पुलिस लगातार अपील कर रही है। आपको बता दें, 10 मई को जनपद के गमहर के कई गंगा घाटों पर 25 से ज्यादा शव मिले थे। सभी शवों का जिला प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार किया जा चुका है। फिरोजाबाद में कोरोना काल में रमजान माह में एक थाना उत्तर की महिला दारोगा और वहीं दूसरी ओर थाना दक्षिण के दारोगा मोहम्मद शाहिद ड्यूटी और आस्था एक साथ निभाकर सिंघम की तरह अपने काम में जुटे हुए हैं, जो महामारी में रोजे रखकर तेज धूप में भी लोगों को कोरोना से बचाने का नियम बता रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर निकलने वाले लोगों को मास्क के साथ 2 गज की दूरी के फायदे भी समझाए जा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर से पूरे देश में बुरे हालात हैं। हर तरफ डर का माहौल है, हर कोई चिंतित है। आखिर इस महामारी से हम सबको कब निजात मिलेगी? फिर भी राज्य सरकारें केंद्र सरकार की मदद से अपने अपने नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रयासरत हैं। तमाम पाबंदियों के साथ शासन द्वारा गाइडलाइंस बनाई गई हैं। वहीं संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन का सहारा लिया गया है। कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। ऐसे में मुस्लिमों का मुख्य त्यौहार ईद उल फितर पर भी पाबंदी के बादल छा गए हैं। योगी आदित्यनाथ मोहतरा पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड कमांड सेंटर और कंट्रोल सेंटर में कोविड की समीक्षा की है और इसके बाद कोरोना को लेकर स्थानीय अधिकारियों से भी एक महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री की ड्यूटी में तैनात हेड कांस्टेबल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जिला अस्पताल में जिसे भर्ती कराया गया है। वर्तमान में थाना वृंदावन की अद्दा चौकी पर तैनात था हेड कांस्टेबल की अचानक तबीयत बिगड़ने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हेड कांस्टेबल को भर्ती कराया गया है। जहां एक ओर शमशानों में शवों को जलाने के लिए जगह पर्याप्त नहीं है, वहीं दूसरी ओर कोरोना काल में हर तरफ से मौतों की खबर सुनने को मिल रही है। वहीं जिला बरेली के ग्राम कादरगंज थाना फतेहगंज पूर्वी में ऐसा वाक्य देखने को मिला जो दिल दहला देने वाला है। रामगंगा नदी में कई शवों को तैरते देखा गया, जिनकी स्थिति आज ये है कि शवों को कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। गंगा में शवों के तैरने से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है और संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। उक्त मामले में डीएम बरेली से सवाल किया गया तो उन्होंने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पूरे मामले को SDM पर टाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।